देश में बेकाबू हो चुके कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले को खत्म करने की संतों से अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात कर कुंभ मेला समाप्त करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हालचाल जाना, सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं, मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया है और मैंने प्रार्थना की है कि दो शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया और उन्होंने हालचाल जाने संतों के, वे अत्यंत भावुक मन के प्राणी हैं। सद्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी का अंतःकरण एक अद्भुत अंतःकरण है। न केवल वो एक शासक हैं, न केवल एक कुशल प्रशासक हैं, सच तो है कि वो एक अच्छे उपासक भी हैं। उन्होंने पूछा कि संतों का कैसा स्वास्थ्य है, किस प्रकार के उनके हालचाल हैं, सभी अखाड़ों में किस तरह की दिनचर्या है। तो मैंने कहा प्रायः सभी प्रसन्न हैं, आनंद में हैं। फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ की पूजा पद्धतियाँ, पर्व परंपराएं, वहाँ के नियम, वहाँ के सब प्रकार के आध्यात्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान कैसे चल रहे हैं। मैंने कहा वो भली प्रकार चल रहे हैं, सभी प्राय प्रसन्न हैं। और मैंने उनसे ये भी कहा कि लगभग सभी स्नान बड़े ढंग से हो चुके हैं, पर चूँकि बाहर से भारी मात्रा में लोग आए और गुजरात पे, महाराष्ट्र में, विशेषकर हरियाणा, पंजाब में और बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप है, तो जिस ढंग से महाराष्ट्र में भारी प्रकोप है कोरोना का और पंजाब में। महाकुंभ के मेले को खत्म करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत भी आगे आए हैं और अपील कर रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने साधु संतों और श्रद्धालुओं से 27 अप्रैल के स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरी सभी संत समाज और श्रद्धालुओं से प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रार्थना के अनुरूप कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग दें। हरिद्वार कुंभ में दो शाही स्नान हो चुके हैं, संत समाज और आमजन की सुरक्षा हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतीकात्मक कुंभ की अपील के बाद जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने भी उनकी अपील का समर्थन किया है। कनखल स्थित हरिहर आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया, गृह मंत्री अमित शाह का भी फोन आया, दोनों से उनकी कुंभ मेले को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कुंभ की सभी गतिविधियों की जानकारी ली। प्रिय भक्तों, प्रिय बंधुओं, पूरा देश में कोरोना चल रही है, कुंभ मेला में भी सबसे पहले हरिगिरी जी महाराज ने जनवरी में बोल दिया था कि भक्तों को कुंभ मेले में नहीं आना है, केवल संतों को आना है। हम लोग पूरा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का गाइडलाइन पालन कर रहे हैं। प्रतीकात्मक कुंभ के रूप में हम लोग इसको मनाने के लिए तैयार है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया और हमारे आचार्य गुरुदेव श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज से भी प्रधानमंत्री की बातचीत हुआ। उन्होंने बोला कि प्रतीकात्मक तो हरिगिरी जी का शुरू से ही मानना है, हरिगिरी जी महाराज का। उन्होंने कहा है कि हम लोग जैसे 2010 में 13 अखाड़ों के 14 लोग गए थे, तो इसी तरह से हम लोग प्रतीकात्मक हर एक अखाड़े के दो दो लोग जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है कोरोना की जो स्थिति है हरिद्वार की, उसको देखते हुए, लेकिन आज अगर हम वर्तमान में हरिद्वार की स्थिति को देखें तो भी जनता यहाँ बहुत ही कम मात्रा में है। साधु संतों के जो कैंप लगे हैं उसमें भी काफ़ी लोग कम हो गए हैं। और जहाँ तक स्नान का प्रश्न है, प्रतीकात्मक हो स्नान, जो श्रद्धालु हैं या जो संत हैं उनको अवश्य करना चाहिए। और प्रतीकात्मक भाव का दो अर्थ होता है, या तो बहुसंख्यक मात्रा में होता है या अल्पसंख्यक मात्रा में होता है। तो जब पर्व का स्नान का घोषित किया है शासन के द्वारा, उत्तराखंड राज्य के सरकार के द्वारा 30 अप्रैल तक अधिसूचना है, तो अगर हम वैश्विक महामारी की परिस्थिति को देखते हैं तो उसमें संतों को भी उस नियम का पालन करना चाहिए। और उन्होंने
हालचाल जाने संतों के, वे अत्यंत भावुक मन के प्राणी हैं। सद्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी का अंतःकरण एक अद्भुत अंतःकरण है। न केवल वो एक शासक हैं, न केवल एक कुशल प्रशासक हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्णागिरी धाम में जियो 4G सेवाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में मोबाइल और डिजिटल कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। उन्होंने 4G सेवाओं की शुरुआत के लिए जियो कंपनी और मुकेश अंबानी को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया की परिकल्पना साकार हो रही है। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के क्षेत्रफल को कम किया जाएगा। साल 2016 में बने सभी ग्रामीण क्षेत्रों से विकास प्राधिकरण की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन साल 2012 में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, इसीलिए कट मानकों के मुताबिक अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्राधिकरण की बाध्यता है। इस बाध्यता को खत्म करने के लिए उन्होंने शहरी सचिव से बातचीत की है और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुंभ मेले को प्रतीकात्मक रूप से आयोजित करने की अपील का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत कोरोना संक्रमित हुए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करना चाहिए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में प्रदेश में कोविड-19 का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन खटीमा में लोग कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। खटीमा के नागरिक चिकित्सालय में आने वाले मरीज कोविड-19 के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि मरीजों के रजिस्ट्रेशन खिड़की की बात करें, डॉक्टरों के चैम्बर की बात की जाए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते कहीं ना कहीं कोविड संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को लगातार कोविड के बारे में जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मरीज कोरोना बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के महवड़ कला गांव में असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया, जिसके बाद लोगों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। भीड़ को देखते हुए घटनास्थल पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, जिससे कोई घटना न घटे। इससे पहले भी बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया जा चुका है। 17 की शायद बात थी जो पहले ये प्रकरण आया था, इस टाइप का मूर्ति हटा दी गई थी, तो उस समय फिर दोबारा इसे स्थापित किया गया था। आज फिर रात में इसके द्वारा कोई सी असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना की गई है और इसमें कहीं ना कहीं समाज में जो है द्वेष पैदा करने के लिए किया गया है। इस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो है फोर्स का जो है यहाँ पे रात्रि में फोर्स की पिकेट स्थापित की जाएगी और यहाँ लाइटें और CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। कर बाबा जी की प्रतिमा स्टैब्लिश थी, उसमें कुछ लोगों शरारती तत्वों के द्वारा छेड़खानी की घटना की गई थी, मूर्ति खंडित की गई थी, तो इमीडिएटली एक तो उसमें FIR लॉन्च की गई है और दूसरा एक नई मूर्ति मंगवा के उसको स्टैब्लिश करवाया जा रहा है। तो स्थानीय लोगों की ये मांग है कि जिन लोगों के द्वारा इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा रहा है उनके खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। तो उसमें CO साहब और हमारे द्वारा आश्वासन दिया गया है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की घटना करता है तो उसके खिलाफ इमीडिएटली विदाउट एनी डिले प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर विधायक रणजीत सिंह रावत ने अंधविश्वास से जुड़े कई आरोप लगाए हैं। रणजीत रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में साल 2016 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हरीश रावत ने दोबारा सत्ता पाने के लिए तंत्र विद्या के साथ जानवरों की बलि दी थी। शुरुआत में हरीश रावत ने जन सरोकार की राजनीति की, लेकिन अब वो डर गए हैं और डरे हुए नेता हैं। 2016 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वे गले पर 13-13 मालाएं पहनने लगे थे।
हल्द्वानी में जिला प्रशासन की ओर से बाजार बंद होने के बाद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाजार को सैनिटाइज कराया। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट और उप सहायक नगर आयुक्त मौजूद रहे। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि पूरे बाजार को व्यापारियों की ओर से बंद कराया गया है, जिसमें प्रशासन द्वारा भी सहयोग किया गया। जनता से अपील करते हुए नगर मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जनता हमारा सहयोग करे और घरों से बाहर न निकले, तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे। निर्देश है कि आज बंदी के दिन पूरी मार्केट हम लोग ये सुनिश्चित करें कि वो बंद रहे और पूरी हल्द्वानी की मार्केट का सैनिटाइजेशन हो। तो इसी क्रम में नगर पालिका की टीम के साथ हम लोग नगर निगम की टीम के साथ जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं। जो दुकानें खुली हुई हैं उनको हम लोग बंद करा रहे हैं, इसके अलावा सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और जिन लोगों ने मास्क का प्रयोग नहीं किया है उनमें चालान की भी कार्रवाई कर रहे हैं। डोईवाला के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग के तत्वाधान में सीआरपीएफ गुरुग्राम अकादमी के 122 असिस्टेंट कमांडर का प्रशिक्षण किया गया है। ये प्रशिक्षण पूरा हो गया है। ये प्रशिक्षण 5 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चला, जिसमें आज के बदले परिवेश में चुनौतियों का सामना करने के उत्कृष्ट बनाने के लिए मनोबल को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें परीक्षण करने वाले खुद अपने अधीनस्थ के साथ किसी भी प्राकृतिक आपदा का डटकर सामना कर सकें। इस प्रशिक्षण में एक महिला प्रशिक्षण अधिकारी भी शामिल है जो पुरुषों से कंधा मिलाकर प्रशिक्षण ले रही थी। टू कमांडर बीआरटी एमके नेगी सर एंड दिस वंडरफुल टीम ऑफ फैकल्टी फॉर गिविंग दिस एडवेंचर ट्रेनिंग मॉडल to the 52nd batch of directly appointed CRPF officers. We are a total of 122 trainee officers in which we had managed to conduct the training in two phases, 61 in both the groups. The knowledge, the skills and the attitude that our trainees could gain in the last 7 days will not only be a rewarding experience for them but also a kind of a motivational aspects for them while handling various operational assignments in days to come. I once again express my heartfelt thanks to the entire team of BIAD. Jai. कि बीएसएफ का बीआरड में अभी 52nd बैच डैगोज जो सीआरपीएफ के अभी ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं 61 जिनकी पूरी संख्या है, वो एक वीक के एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए बीआरड में आए थे और जो है 12 तारीख से लेकर आज 17 तारीख के बीच में इनकी एडवेंचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हुई है। आपको ये जान के भी खुशी होगी कि इस एक वीक के दौरान इनको प्राकृतिक आपदा से निपटने की जानकारी दी गई, उससे तरीके बताए गए, उसके साथ साथ हाई अल्टीट्यूड में कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, उनसे कैसे आपने निपटना है इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ साथ आपको गैंजिस में हमने इनको अपनी सर्वाइवल इन वाटर राफ्ट्स, कयाकिंग, स्टैंड अप पैडल और पानी में यदि इस तरह की आपदा आती है तो किस तरह से अपने को, अपने साथी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अलग लोगों को प्लस सिविल को कैसे बचाना है इसके बारे में भी जानकारी दी है। इसके साथ साथ तीसरा मॉड्यूल में हमने इनको यूएवी से रिलेटेड भी काफी खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।